खंडवा शहर में एक्यूप्रेशर पद्धति से इलाज किया जा रहा है। यह 8 दिवसीय शिविर 31 दिसंबर तक रहेगा। वर्तमान भागदौड़ की जिंदगी में आम आदमी अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाता, यही कारण है कोई भी पूरी तरह निरोगी नहीं है। शुगर, ब्लड प्रेशर, साइटिका, माइग्रेन, अस्थमा, पेट की बीमारियां बहुत बढ़ रही है। इसके मद्देनज़र पद्म नगर सिंधी समाज और विश्व सिंधी सेवा संगम के संयुक्त तत्वावधान में 8 दिवसीय एक्यूप्रेशर सुयोग कंपिंग चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर 31 दिसंबर तक चलेगा। विश्व सिंधी सेवा संगम महिला शाखा अध्यक्ष संजना खत्री और जिला प्रवक्ता कमल नागपाल ने बताया, एक्यूप्रेशर पुरातन पद्धति है। इसका लाभ लेने के लिए अपनी तकलीफ से परेशान लोग निरंतर शिविर में पहुँच रहे हैं। प्रतिदिन 100 से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। संस्था की ओर से आने वाले मरीजों को मास्क बांटे गए, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर के उपयोग की समझाइश दी गई। खंडवा से ब्यूरो की रिपोर्ट। आयोजन सिंधी समाज और VSS विश्व सिंधी सेवा संगम की तरफ से किया जा रहा है और ये एक्यूप्रेशर की थेरेपी है, उसका कोर्स है जो 7 दिन का शिविर है। ये आज ये शिविर का 4th दिन है। यहाँ लोगों को बहुत बेनिफिट हो रहा है और दिन ब दिन एंट्रीज हमारी बढ़ रही हैं। शुरुआत में हमारी 40 हुई, उसके बाद दूसरे दिन 60 हुई, आज 85 तक एंट्री पहुंच गई हैं और हमें आगे भी उम्मीद है कि और अच्छी एंट्रीज आएंगी हमारे यहाँ। और कितने दिन चलेगा लगभग? ये 7 दिवस का है, आज 4th दिन है, 3 दिन बाकी है, 31 तारीख को इसका समापन है। लोगों को यहाँ से कुछ फ़ायदा मिला? बहुत फ़ायदा मिला है। कुछ लोगों का जिनका एक्सीडेंट हुआ है, उनके हाथ में जैसे फ्रैक्चर वगैरह था, उनको एक्सरसाइज से फ़ायदा हुआ है, घुटनों में फ़ायदा हुआ है, आँखों में किसी को जैसे खिंचाव सा आ रहा है तो यहाँ पर कई तरह की एक्सेसरीज हैं, उनको लगाने से उनको बेनिफिट हो रहा है। कमर दर्द है लेडीज़ों को, जो अक्सर कमर में दर्द रहता है, उसके लिए बेल्ट लगा के यहाँ पर एक्सरसाइज करवाया जाती है, तो उसमें भी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और फ़ायदा हो रहा है ये हमको दिख रहा है क्योंकि हमारे यहाँ एंट्रीज बढ़ रही है। 7 दिवस बाद और कहीं लगाने का क्या है? अभी तक तो यही है, उसके बाद डॉक्टर साहब बताएंगे आपको। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।